हेलो दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे 40 लुसेंट राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आने की इनकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो बने रहिए दोस्तों और वीडियो के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, अविका नगर टोंक के अंदर स्थापित किया गया है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब दास का निवास स्थल था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जूना जो जगह है वो थी वीर दुर्गादास का निवास स्थल औरंगजेब के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोबी चोपड़ा फिरनी गऊघाट का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जोहट से संबंधित है, ये ग्रामीण क्षेत्र में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, चोबी चोबा फिरनी और गऊघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव यहाँ पर किसी प्रकार के कोई भी पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, किस जिले में है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जैसलमेर जो जिला है उसके अंदर स्थित है सब गांव, जो कि पूर्णतः वनस्पति रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक व हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, उदयपुर जो जिला है वो सबसे अधिक अदरक और हल्दी का उत्पादन करने वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में नदियों का अधिकांशतः जल ग्रहण क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, अरावली पर्वत क्षेत्र है अधिकांश नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पंचायती राज का आगाज कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, 1959 में हुआ था राजस्थान में पंचायती राज का आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसेन में सहकारी के शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए कब स्थापित किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, अप्रैल 1994 में, जो कि जिसका मुख्यालय आपको झलाना डूंगी जयपुर के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी वरुणा आदि किस्में फसल की है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी सरसों की किस्में हैं, रोहिणी और वरुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में रावतभाटा स्थित परमाणु शक्ति ग्रह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कनाडा जो देश है उसकी सहायता से स्थापित किया गया है राजस्थान में रावतभाटा परमाणु शक्ति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, उदयपुर जो संभाग है उसके अंदर है 33वां जिला प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध का न्यूनतम उत्पादक राजस्थान का जिला है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, बांसवाड़ा जो जिला है वहां पर जो दुग्ध का जो उत्पादन होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसानों को उनके तिलहन उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाने का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो तिलम संघ है वो करता है तिलहन उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो दौसा जो जिला है वहां पर स्थित है माधव सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले पत्थरों से निर्मित वह किला जिसके निर्माण में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सोनार किला एक ऐसा किला है जो कि पीले पत्थरों से बना हुआ है और उसमें जो चूना होता है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 1567 ईस्वी में हुआ था तीसरा शाखा। शाखा का मतलब होता है दोस्तों, जब कोई राजा युद्ध हार जाता है या वीरगति को प्राप्त हो जाता है तब महल की सभी
महिलाओं के द्वारा अपने आप को आग को समर्पित कर देना, इसे ही हम शाखा कहते हैं। और ये तीसरा शाखा था चित्तौड़गढ़ के अंदर 1567 में जो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो बांध और सैंपल सागर का संबंध किस जिले से है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, दौसा जिलों से संबंधित है रेडियो बांध और सैंपल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत ने तो एक ही आंदोलन चलाया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसमें पहला ऑप्शन है बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथक ने, सही बात है। सेकंड ऑप्शन है बेगू किसान आंदोलन, रामनारायण चौधरी, सही है। डी ऑप्शन है भगत आंदोलन, गुरु गोविंद गिरी। तो यहाँ से अपने चार क्वेश्चन तैयार हो गए दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो ये बात गलत है, और तीन ये ऑप्शन तैयार हो गए। बिजोलिया किसान आंदोलन किसने चलाया? विजय सिंह पथिक ने। बेगू किसान आंदोलन किसने चलाया? रामनारायण चौधरी ने। ऑप्शन नंबर डी है भगत आंदोलन किसने चलाया? गुरु गोविंद गिरी ने। तो ये सभी आप नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन विभाग से पृथक कर अलग से मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 1982 में की गई थी मत्स्य विभाग की स्थापना अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, गुजर प्रतिहार वंश का शासक था मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उस एकमात्र मंदिर का नाम बताइए जिसका परकोटा एक मुस्लिम शासक या सेनापति द्वारा निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो सारनेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसका जो परकोटा है वो एक मुस्लिम सेनापति ने निर्मित करवाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो बाड़मेर जो जिला है वो सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला है पश्चिमी राजस्थान का, क्योंकि यहाँ पर धरती के नीचे जो जिप्सम एक पदार्थ होता है जो कि पानी को नहीं सोखता वो पाया जाता है। अगर यहाँ पे थोड़ी भी ज़्यादा वर्षा होती है तो यहाँ पे बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो सिरोही जो शहर है वो फेमस है तलवार निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरिया स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, श्रावण माह में ओढ़ा जाता है लहरिया वस्त्र स्त्रियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल जिसका नाम है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, प्रतापगढ़ जो जिला है वहां पर स्थित है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह नदी जो अपनी शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है और मीणा जाति के लोग इसे गंगा की तरह पवित्र मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सुकड़ी जो नदी है वो अपनी शुष्कता के लिए फेमस है और मीणा जाति के लोग इसे गंगा की तरह पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विजय सिंह पथिक था जो कि राजस्थान का निवासी नहीं था। और इसके अलावा केसरी सिंह बारड, गोपाल सिंह खरुआ और अर्जुन लाल सेठी, ये सभी राजस्थान से संबंधित क्रांतिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, गुमान मल ने करवाया था जैसलमेर में पटवा हवेलियों का निर्माण, और इनकी संख्या कितनी है 5, जो कि आज भी काफी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ परगना विगत का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, नैन्सी है मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को बांगड़ का जलियावाला बाग कहा जाता है? तो
तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। मानगढ़ को कहा जाता है बांगड़ का जलिया वाला बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य सागर तालाब किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो जोधपुर जो शहर है वहां पर स्थित है सौभाग्य सागर तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जो जालौर जिला है वो सबसे अधिक इसबगोल पैदा करता है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो इस अधिनियम में क्या होता है दोस्तों, 1 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मूलभूत अधिकार होता है, मतलब उनको शिक्षा देना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डबोक एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है डबोक एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, उदयपुर जो शहर है उसे कहा जाता है राजस्थान के कश्मीर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जोहरबीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 6.85 करोड़ है राजस्थान की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में किया गया? तो इसका विलय किया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, आईसीआई बैंक में किया गया था बैंक ऑफ राजस्थान का विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर सी है चूरू में, ऑप्शन नंबर डी है जैसलमेर में। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। तो दोस्तों अगर लूसेंट राजस्थान जीके का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके दोस्तों।